हेलो दोस्तों, मैं शिवम कोटेचा। मेरी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महा कंपेरिजन करेंगे अशोक लेलैंड दोस्त एक्सेल वर्सेस महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप सिटी 1.3 से। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्त की एक शोरूम प्राइस है 7,75,000 से लेके 8,25,000। बोलेरो की एक शोरूम प्राइस है 8,49,000 से लेके 8,62,000। दोस्त पे वारंटी मिलती है 5 ईयर 2 लाख किलोमीटर की। बोलेरो पे वारंटी मिलती है 3 ईयर 1 लाख किलोमीटर की। तो चलो फ्रंट से शुरुआत करते हैं। वहीं दोस्त में हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, वहीं बोलेरो में भी हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, लेकिन बोलेरो के टॉप मॉडल में कॉर्नरिंग लैंप मिलता है जो दोस्त में नहीं मिलता है। वहीं दोस्त में फाइबर का बम्फर मिलता है, वहीं बोलेरो में मेटल का बम्फर मिलता है। तो चलो साइड की बात कर लेते हैं। वहीं दोस्त में 14 इंच के टायर मिलते हैं, वहीं बोलेरो में 15 इंच के टायर मिलते हैं। वहीं दोस्त में फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है, वहीं बोलेरो में भी फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। वहीं दोस्त में पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं, वहीं बोलेरो में लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। वहीं दोस्त का व्हील बेस है 2350 mm, वहीं बोलेरो का व्हील बेस है 3150 mm। तो ही दोस्त में 40 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है, वहीं बोलेरो में 45 लीटर का डीजल का टैंक मिलता है। वहीं दोस्त में भी कोई यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहीं बोलेरो में भी कोई यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो रियर की बात कर लेते हैं। वहीं दोस्त में हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, वहीं बोलेरो के टॉप मॉडल में एलईडी टेल लैम्प मिलता है। वहीं दोस्त में 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, वहीं बोलेरो में 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं। तो चलो अब मैं आपको दोनों के डाले की लंबाई, चौड़ाई और लोड कैपेसिटी बता देता हूँ। दोस्त में 8.7 फीट लंबा डाला मिलता है, 5.3 फीट की चौड़ाई मिलती है, 1.4 टन की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। वहीं बोलेरो में 8.2 फीट लंबा डाला मिलता है, 5.6 फीट की चौड़ाई मिलती है और 1.3 टन की पेलोड कैपेसिटी मिलती है। वहीं दोस्त का GVW 2625 kg, वहीं बोलेरो का GVW 2825 kg। तो चलो फ्रंट ड्राइवर केबिन देख लेते हैं। वहीं दोस्त में 1+1 की पार्सिंग मिलती है, वहीं बोलेरो में 1+2 की पार्सिंग मिलती है। वहीं दोस्त में लेदर की सीट मिलती है, वहीं बोलेरो में फैब्रिक की सीट मिलती है। वहीं बोलेरो के टॉप मॉडल में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिलती है जो दोस्त में नहीं मिलती है। वहीं दोस्त में भी पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, वहीं बोलेरो में भी पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। वहीं दोस्त में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वहीं बोलेरो में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। वहीं दोस्त में भी एसी का ऑप्शन मिलता है, वहीं बोलेरो में भी एसी का ऑप्शन मिलता है, लेकिन बोलेरो के एसी वाले वेनियर में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है जो दोस्त में मिलता है। वहीं दोस्त में 12 वाट चार्जिंग पोर्ट मिलता है, वहीं बोलेरो में भी 12 वाट चार्जिंग पोर्ट मिलता है। वहीं दोस्त में 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है और हॉक थ्रू केबिन मिलती है। वहीं बोलेरो में भी 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन हॉक थ्रू केबिन नहीं मिलती है। वहीं दोस्त में एलईडी केबिन लैंप मिलता है, वहीं बोलेरो में हेलोजन केबिन लैंप मिलता है, वहीं बोलेरो में आईमैक्स टेक्नोलॉजी मिलती है जो दोस्त में नहीं मिलती है। तो अब चलो दोनों के इंजन देख लेते हैं। वहीं दोस्त में 3 सिलेंडर 1500 cc का इंजन मिलता है, पावर 70 bhp, टॉर्क 170 Nm। वहीं बोलेरो में 4 सिलेंडर 2523 cc का इंजन मिलता है, पावर 52 kW, टॉर्क 200 Nm। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको न्यू अशोक लेलैंड दोस्त एक्सेल पसंद है या महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप सिटी 1.3 पसंद है। वंदे मातरम।